ये जितने भी नंबर्स है ना अभी 20 लाख हम या सपोर्ट अभी करेंगे 20 मिलियन भाई, है, ऐसी बात नहीं जितने है। भी मिलियन अभी व्यूज है वो सारे फैन बॉयज वाले व्यूज है, कोई जेन्युइन नया वो नहीं होगा बस लिसनर कि भाई हनी सिंह नया आर्टिस्ट है भाई। और अब मैं ये जब बोलता था कि भाई मैं इंडियन रैप को भाई अमेरिकन रैप तक ले जाऊंगा, ऐसे ऐसे हाँ इंटरव्यू सुन रखे भाई मैंने इसके, बीटन डाउन डॉक्टर रे होता अगर कोई हाँ गाइड्स बंदा काइंड तो ये ऑफ होता। अगर ये कल्चर इंडिया में होता तो शायद बॉलीवुड एग्जिस्ट ही नहीं करता। कैसे और गाने होते ना पंजाबी सिंगर्स के भाई, F1 गाड़ियां चल रही है, वो चल रही है, गाड़ियों के ऊपर नाच रहे हैं, दिखा रहे हैं वगैरह। ये गाना किसी और ने लिखा है और बीट्स किसी और ने डाला है, मिक्स मास्टर किसी और ने करा है, हनी सिंह ने सिर्फ उसमें अपने आप को दिखाया है कि भाई मेरा गाना है ये बस भाई मतलब कौन से लता मंगेशकर आई, ये फैक्ट क्या है। समझ रहा है ये मतलब। मतलब एक आर्टिस्ट को इवॉल्व करते रहना चाहिए ना कि बैकवर्ड इवॉल्व करते रहना चाहिए, ये तो बैकवर्ड जा रहा है भाई। पर पार्ट टू किसी गाने के चले आते, जब भी कोई पार्ट टू बनाता है गानों का बकवास ही होता है। ये भी फैक्ट है। बिलो बत्तियां बुझा के आया मुड़ चलो तेरा देसी कलाकार, तेनु डीके मेरी कांच चक के फरार मैं हो जूं, आओ जिन्ने च पीसीआर बत्ती करके ब्लॉक तो 9 years कैंडी। तो उसके बाद 2 साल बाद इसने ये इसका सेकंड पार्ट बनाया है इस वीडियो का, देसी कलाकार का। तो उसने 15 दिन से भाई इस पे हाइप बना रखी थी भाई, ये दिस इज गोना बी द नेक्स्ट, मतलब ऐसे कि चार्ट टॉपर, मतलब नेक्स्ट बेस्ट थिंग एवर, ऐसे करके ऐसे हाइप बना रखी थी सोशल मीडिया पे। अभी इस गाने में तो रैप ही नहीं थी, कुछ था ही अभी नहीं इसमें। रैपर था भी नहीं पहले कभी, पहले ये ऐसे ही लिखता था गाने। भाई ट्राई तो करता था गिर पड़ के, इस बार तो ट्राई भी नहीं किया, था ही नहीं रहा अभी तो इस कुछ ये भी है, मतलब नहीं। तो ऐसा था, एग्जैक्टली म्यूजिक तुम्हें वीडियो सब टाइप कुछ। है ये कुछ, हाँ वीडियो के बिना सेंस नहीं है कुछ, ऐसा लगा मुझे थोड़ा। अच्छा ठीक है। वीडियो भी ग्राउंड ब्रेकिंग है ये बात नहीं। अबे तुम ये सोचो, चलो वो भी छोड़ो कि स्टैंड अलोन वीडियो भी नहीं, तुम उससे बताओ पहले कि प्रीवियस जो वीडियो है, प्रीवियस जो अबे गाना पता है क्या, था उससे प्रीवियस कंपेयर। वीडियो थोड़ी वैसी थी कि भाई काफी कुछ था उसमें, भाई हाँ मतलब हार्डकोर जा रही चीजें, मतलब तुम्हें डेंजर दिख रहा है वगैरह, ये हाँ। इसमें ड्रामा डाला ठीक है, और वो ड्रामा मेरे को बेकार लगा, मुझे कुछ नहीं लगा। और तेरे को लग रहा शॉर्ट है थी चल, हाँ, तो तो इसने मैं भी गाना छोटा एग्जैक्ट था उस हिसाब से इसने बनाया, कुछ छोटी करके दिखाया मतलब एक हाँ शॉर्ट वे में, नहीं वो भी कुछ ऐसा नहीं लगा कि भाई था भी कुछ। वो लड़की को देख के एक्सप्रेशन होता ना कि भाई 9 साल बाद आया बंदा, हाँ जैसे वो कहता तुझे इन्फॉर्म करके नहीं आया, सीधा आ गया। तो मैं ऐसे था कि चल ठीक है, लेकिन लड़की का कोई रिएक्शन नहीं था ऐसा, वो परेशान हुई मतलब एक कॉमन ज्यादा नॉर्मल है, सुपर काफी ठीक बहुत नॉर्मल है ज्यादा भाई सुपर ऐसे, मतलब मतलब ऐसा एक्ट कर रही थी कि भाई परेशान होने का एटीट्यूड पे मैं थोड़ा ध्यान नहीं देने इधर उधर। अबे तुम वैसे ये तो है कुनाली तो पॉइंट है, बट वो मैं कह रहा हूँ जैसे पिछला जो था वो एकदम ऐसा था कि एक्शन पैक थ्रिलर टाइप वीडियो मैं थी ठीक हाँ वो है। थोड़ा लगता था, वाइब चलती थी, हाँ बीट्स थी भाई, बढ़िया बीट्स गाना था, एक हाँ नंबर। और कैची बीट्स थी, कैची लिरिक्स तो थे ये ठीक है, और वो टाइम भी ऐसा था हाँ ठीक है, टाइम भी डिफरेंट था आज के हाँ हिसाब चल से। ठीक है, हाँ आज के हिसाब से भी आज भाई के हिसाब ये, से आज के हिसाब से इसने भी थोड़ा ओल्ड स्कूल लगा काफी कि भाई ऐसा ओल्ड स्कूल ऐसे तो नहीं, पहले मतलब मेरे को ऐसा लगा कि ये ना मेरे को लग रहा है उस उससे देख भी पुराने एक गाने बनते थे वैसे में बनाया इसने। अबे हाँ मेरे को ऐसा लगा कि ये ना पिछले वाले का ये सीक्वल तो कहीं से नहीं लग रहा, क्योंकि पिछला अगर एक्शन और थ्रिलर है ना तो या तो उस जॉनर में होना हाँ चाहिए था, उससे भी तगड़ा कुछ होना चाहिए था, ये तो उससे भी हाँ अंडरवेलमिंग लग रहा है मुझे। मतलब मैं मेरे हिसाब से सीन ये है, भाई वीडियो को छोड़, वीडियो हिसाब से भी छोड़ दो, वैसे मेरे हिसाब से भी सीन भाई ही है भाई कि मेरे को म्यूजिक ना सॉन्ग सॉन्ग कुछ जो है ना हाँ काफी मतलब डिसेंट लगा ठीक है, डिसेंट सॉन्ग है, ना ही बहुत अच्छा है ना ही हाँ बहुत ही ओके है, बेकार मतलब है, डिसेंट है ओके ऐसा नहीं है कि तुम याद करना चाहो, ऐसा है कि तुम ठीक है सुन लो चलो हाँ वैसा ठीक है, सॉन्ग है, और डी टॉलरेबल 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 हाँ है ठीक है वो गाना ऐसा। ऐसे था भाई, लाइन है, वर्ड्स हैं, बढ़िया बढ़िया चीजें हैं इसमें तो बढ़िया। दोनों सही में वो वाला पापे आ गए भाई पड़ गए पीछे हाँ वो था भाई, वो गाना था कि भाई फनी था, हाँ फनी था, इंटरेस्टिंग था इंटरेस्टिंग था, भाग रहे है, चेज है, सब कुछ है, और गाना भी हाँ तगड़ा है, मेलेडी सब कुछ तगड़ा था इसमें। कैची है सब इसमें बढ़िया ऐसा है लगा बीट अच्छा है, बीट कैरी कर रहा है गाने को, और म्यूजिक वीडियो तो अगर ना भी होती तब भी हम काम चला ही लेते, जरूरी था इसको उससे लिंक करना कि उसका सेकंड पार्ट है, बताओ। अबे गानों को ना बिना वीडियो के ही जज करना चाहिए, पहली बात तो ये ठीक अभी ये कल्चर है। अगर इंडिया और में ये होता, अगर ये कल्चर इंडिया में होता तो शायद बॉलीवुड एग्जिस्ट ही नहीं करता। भी हो सकता,
है ना। अबे यार वीडियो भी कौन सा बहुत अच्छी थी, ये भी था। अबे वही एवरेज वीडियो तो वीडियो बहुत थी, बेसिक थी, बहुत एवरेज, बेसिक बिल्कुल थी, एवरेज। एवरेज कैसे। और गाने होते ना पंजाबी सिंगर्स के, भाई F1 गाड़ियाँ चल रही है, वो चल रही है, गाड़ियों के ऊपर नाच रहे हैं, दिखा रहे हैं वगैरह। वही है कुछ बेसिकली इसने किया गया इस गाने में कि बहुत सिंपल हो हिंदी गया। हिंदी रैप या हिंदी जो भी करता था हिप हॉप, उसको हटा के इसने पंजाबी में डाला, जो कि इसका मतलब इसका इसको पंजाबी अच्छी आती है, तो इसने पंजाबी वाली ट्राई करी है, अच्छा लिखा। एक और मैं तुम्हें फैक्ट बताऊँ, फैक्ट है कि पता नहीं, मैंने भी इसके उसमें गाने के नीचे ही पढ़ा था डिस्क्रिप्शन में कि गाना किसी और ने लिखा है और बीट्स किसी और ने डाला है, मिक्स मास्टर किसी और ने करा है। हनी सिंह ने सिर्फ उसमें अपने आप को दिखाया है कि भाई मेरा गाना है ये, बस मतलब समझ रहा है, मतलब वो एक्टिंग कर रहा है गाने में आके और बस गाना गा रहा है, यही किया उसने, ना गाना लिखा है ना प्रोड्यूस किया है। अबे हाँ हो भी सकता हो, वो भी सकता नहीं, नहीं भाई यही है, ने, यही है। भाई ने ऐसा लिखा है वगैरह। अबे देख मैं ये नहीं कह रहा वो बंदा बुरा या बेकार लिखा है, मैं बस ऐसे हूँ कि ये एक्सपेक्टेड नहीं था उससे, थोड़ा ये कहूंगा वही थोड़ा सा ऊपर एक्सपेक्टेड था एवरेज में। अबे और जब मेरे को तो वो अच्छा नहीं लगा कि भाई जब गाना तेरा खुद का कुछ है ही नहीं, सिर्फ तूने सिर्फ गाया है, तू तो वही बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर है बस, तू गाना लिख के दे दिया, म्यूजिक भी रेडी है, तू बस गा दे, तेरी आवाज अच्छी है। कह सकता हूँ दूर इसके आवाज भी तो अच्छी नहीं है, ये भी है कहाँ भाई, मतलब कौन सा लता मंगेशकर आई ये भी फैक्ट क्या है, समझ रहा है मतलब ये भी फैक्ट है, किलो की पॉजिटिव लगा रखी है गाने में, फिर सोच रहा है भाई हम तो जोड़ बन गए। वही भाई एग्जैक्टली ये सीन है। और अरे मेरे भाई ने भी सुना था, वो भी सुबह ऐसे था ठीक क्या है भाई, वो हंस रहा था साइड में थोड़ा कि भाई ये क्या है, हाँ ये बताऊं कौन इतना से वेट पास्ट में किया। जी रहा है ये पास्ट, उसमें जी रहा है प्रॉपर पटोला वाले टाइम में, हाँ एग्जैक्टली वो वाले पास्ट में है ये अबे लिटरली, अबे मैं बता रहा हूँ अभी जितने इसके कमबैक थे ना, कमबैक वाले गाने थे, वो सारे गाने इसने वैसे वाले बनाए जो 2012 और 2014 वाला हनी सिंह नहीं था, जहाँ पे छोड़ के गया था उसी पे बनाया जा रहा कि भाई अभी भी वो चलेगा, वो चल नहीं रहा क्योंकि वो जा चुका जमाना, ठीक है अब जो जमाना उसमें नहीं चलता है, और अभी जो गाना बनाया ना इसने ये भी मतलब पुराने उसका ही है, पुराना ही कुछ चल रहा है। नहीं है। हाँ ये तो वही है ना एम्पलीफायर वाला जमाने के गाने चला रहे हैं, सोच रहा है भाई हम कम बैक करेंगे ऐसे गाने से, नहीं होगा नहीं सकता। मैं हाँ तो मतलब वही है, मतलब ये अबे मेरे को ना इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि भाई ये एवरेज गाने बना रहा है इसमें बना रहा है ठीक है, बट मेरे हिसाब से मेरे को दिक्कत ये है कि भाई अगर तू कम बैक कर रहा है कुछ भी कर रहा है ठीक है, तो तू अपना नया दिखाना, नया क्या प्रोड्यूस कर सकता है, नया क्या बना सकता है, मतलब एक आर्टिस्ट को इवॉल्व करते रहना चाहिए ना कि बैकवर्ड इवॉल्व करते रहना चाहिए, ये तो बैकवर्ड जा रहा है भाई। जो है मेरे फैंस बोल रहे हैं कि भाई तूने ना वो गाना अच्छा बनाया था वैसे एक और बना दो, मैं तो मानूंगा वैसे बनाओ, फिर तू आर्टिस्ट क्या है भाई, तू तो इवॉल्व ही नहीं हो रहा। बर पार्ट टू किसी गाने के चले आते हैं, जब भी कोई पार्ट टू बनाता है गानों का बकवास ही होता है। ये भी फैक्ट है, मोस्ट ऑफ द टाइम भाई पार्ट टू होता है बिजनेस माइंडेड कि भाई ये चलेगा, पहला चला था ये भी चलेगा। बैंड जैसे वो है लव द वे यू लाय, उसका पार्ट टू, उसका भी पार्ट टू है, उसका भी पार्ट टू है, और अच्छा मेटालिका का वन है, अच्छा उसका भी पार्ट टू पार्ट थ्री, वो पर वही है कैश इन वाली है, वो पार्ट थ्री भी है। तो ये है भाई, इनको एज आर्टिस्ट मुझे लगता है फैंस के चक्करों में ना पड़ गए, इनको कुछ वो करना चाहिए, कुछ नए बीट्स ट्राई करने चाहिए, मतलब एक तो हनी सिंह ना रैपर नहीं है, मतलब लिरिक्सिस्ट इतना अच्छा नहीं है, R&B आर्टिस्ट है भाई, R&B। अबे R&B भी नहीं है, बीट प्रोड्यूसर ब्रेक है। नहीं, ये अबे काइंड ऑफ टाइलर द क्रिएटर ले ले कि बीट प्रोड्यूस कर लेता है खुद ही, ठीक है मतलब टाइलर द क्रिएटर जितना एलीट बंदा नहीं है ये, मतलब ये बीट प्रोड्यूस करता है, सिंपल सी बात है, बीट बनाता है ठीक है, और उस पे अच्छे बंदों को लेकर आता है, उससे मतलब लिखवाता है या तो उनके साथ कोलैब कर लेता है, खुद ही गाना गा देता है ठीक है, ये करता था बंदा। अब क्या सीन है, पूरा पलट गया, अब लोग खुद अपनी बीट बना लेते हैं, खुद ही लिरिक्स लिख लेते हैं, खुद ही गा देते हैं, खुद ही डाल देते हैं, तो अब इसका वो चल नहीं रहा वो वाला जो पुराना था। जरूरत ही नहीं है, जरूरत तो मिडल मैन है सिंपल सी, हाँ, डीजे खालिद वाला सीन है इसका, डीजे खालिद बन चुका है, हो सकता हो। तो जब इसको इसके पास कोई खुद का इनबिल्ट फीचर ही तो नहीं है कि या तो तू भाई प्रोड्यूस कर ले सबके लिए, हाँ रिक रॉस और ये सब, कि तू भाई प्रोड्यूस कर ले या तो दो बाकी हिप हॉप आर्टिस्ट के लिए गाने वो कर ले, वो नहीं कर सकते क्योंकि भाई इसकी स्टार इमेज है,
ठीक है। और अबे टैलेंट भी होना चाहिए भाई, वो भी करने के लिए। अबे वो भी तो नहीं है, अबे नहीं, जितने इसके पंजाबी गाने थे ना ओजी, वो सारे चले थे क्योंकि इसकी बीट बहुत उस टाइम के हिसाब से बहुत ही आगे की थी। लेकिन अब जो है हम उस लेवल पे पहुंच रहे ना, अब अभी भी उसी पे है कि भाई अभी भी मैं वही बनाऊंगा तो चल जाएगा, तो वो नहीं चल रहा, ये सीन हो रहा है इसका। नहीं ये तो उस टाइप की भी नहीं लगी ब्रो, भी थोड़े पुरानी टाइप ही लगी मुझे, बहुत स्लो ऐसे। पुरानी है, पुरानी है, और मतलब ये मोस्टली जो पंजाबी सिंगर्स ट्राई करते हैं ऐसी मेलोडी, लव स्टोरी टाइप, काइंड ऑफ मतलब वही लड़का लड़की वाली जो म्यूजिक एग्जैक्टली वही थी। और मेरे को तो मतलब सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटिंग ये है कि भाई 15 दिन तक हाइप बना है कि भाई सेकंड पार्ट आ रहा है और सेकंड पार्ट ये निकला। अब थोड़ा रैप होता ना बढ़िया सा भाई, कैडा रैप डालता ना मजा आ जाता है सुन के कि भाई हाँ दर्द लिखता उसमें कुछ लगता भाई हाँ। अबे अपने पर्सनल इश्यूज बताना कि भाई कैसे फील किया, क्या भाई उस उन 9 साल का गैप में क्या किया भाई तूने। Exactly भाई, ओपन अप करो ना, अबे कुछ बताओ। अबे भाई यही तो मैच्योरिटी होती है कि तुम, अबे ये बंदा है 40 साल का, कुछ पता नहीं कितने, 35-40 समथिंग का होगा, ठीक है, हो गया। इसने जितने साल से गायब था अगर वो बताए कि भाई मैंने क्या किया, क्या स्ट्रगल किया, कैसे निकला, उससे मैं फिर से देसी कलाकार कैसे बन पाऊंगा, वो बताए तो भाई मैं बता रहा हूँ भाई चलेगा भाई, फटेगी इसकी वीडियो लिटरली। जो ये जितने भी नंबर्स है ना, अभी 20 लाख या सपोर्ट करेंगे भाई, मिलियन है, जितने भी मिलियन अभी व्यूज है वो सारे फैन बॉयज वाले व्यूज है, वो ही जेन्युइन नया वो नहीं होगा लिसनर कि भाई हनी सिंह नया आर्टिस्ट है भाई, जानू तो सही गाने तो सुनो इसे कैसे होते, कोई नहीं है भाई, सब नॉस्टैल्जिया फैक्टर से आया है इसके पास, कोई नहीं है, एक बंदा नहीं है नया। एक्सपोज करो ना, ये भी तो है, अगर वही नहीं कर सकते तो क्या आर्टिस्ट हो भाई, वही अब एक्सप्रेस करना नहीं जानते ये वो है ना, मतलब इनका सीन ये है कि जब ये कर रहे थे तब एक्सप्रेशन का वो था नहीं, मतलब एक्सप्रेशन क्या होता है, हाँ एक्सप्रेशन क्या होता है हमें नहीं मतलब, तुम बस गाने बना के दो, ठीक है। अब जमाना है एक्सप्रेशन वाला, अब ये समझ नहीं रहा उस मॉडल को, अब ये अभी भी उसी दिन जी रहा है कि भाई गाने बनाने वाले भी हूँ मैं, तो जो लोग अडेप्ट कर गए वो तो भाई आज मचा रहे हैं, बिल्कुल ही कर रहे हैं वो, शायद हो सकता भाई का डर हो कि नया लर्न करने में प्रॉब्लम आ रही हो, नई चीजों को अडेप्ट करने में प्रॉब्लम आ रही हो, और या फिर ये भी रहा हो कि भाई नया क्या लाऊं, उसमें भी परेशान हो, अपना अलग क्या लाऊं, वही मतलब ऐसा होना कि इसका एक अलग ही वो है, मान लेते हैं कि ठीक है भाई इसके बाद नहीं है लिरिसिज्म इसका वो नहीं है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है, लेकिन बीट और म्यूजिक वीडियो या इन सब में किसी और चीज में भी तो कमाल कर सकते हैं जरूर, ये तो नहीं है ना कि लिरिक्स ही लिखनी है कोई और लिख लेगा, मतलब वो किसी और रैपर का होगा डिपार्टमेंट, इसका होगा फोकस कि भाई मैं बीट्स पे ध्यान दूंगा, मैं वीडियो पे ध्यान दूंगा, क्रिएटिविटी दिखाऊंगा, हाँ तो वो क्या है इसका अलग यूएसपी क्या है इसकी, तो कुछ अबे अच्छा रैपर लिखना तो खुद चाहिए क्या सीन, अबे वो तो नंबर वन चीज है भाई कि खुद लिखना चाहिए नंबर वन, लेकिन इसने पर ये मतलब इसने ओपन लिया कि बोल दिया वो अच्छा लगा कि भाई मैं रैपर नहीं था, मैं तो बस ऐसी जो बीट होती मैं गाने लिख लेता था बस, तो वो मुझे ऑनेस्टी सही लगी ये तो ना, क्योंकि अगर इसने एक्सेप्ट कर लिया ऑनेस्टी नहीं है सेल्फ डिफेंस का, सेल्फ डिफेंस ये भी कह सकता है, ये भी कह सकता है, क्योंकि याद कर उस टाइम, क्योंकि मुझे उस टाइम याद करिए अपने को कैसे रिप्रेजेंट करता था, रैपर की तरह रिप्रेजेंट करता था, और अब जब बोलता था कि भाई मैं इंडियन रैप को भाई अमेरिकन रैप तक ले जाऊंगा, ऐसे ऐसे इंटरव्यू सुन रखे हैं भाई मैंने इसके, एग्जैक्टली टाइम अबे वो तो सही कह रहा, अबे लेकिन अब तो इंडिया का सीन बहुत उठ गया ना, अब तो लिटरली रैपर जो रैपर टाइप होते वो आ गया, तो अब इसको उनके बीच में बैटल करना इम्पॉसिबल है इसका, क्योंकि कहीं फिटिंग ही होता उनके बीच में, ना ही ये वैसे वीकेंड टाइप वाला बंदा है कि जो गाने भी गा लेता है रैप भी कर लेता है, वैसा बंदा भी नहीं है, और ना ही ये वैसा बंदा ड्रेक जैसा जो कमर्शियल हिट देता हो जब वो, और ना ही टाइलर द क्रिएटर है कि भाई बिल्कुल सब कर देता हो, हाँ टैलेंट हो वो भी नहीं है, बीटन डाउन डॉक्टर ड्रे होता अगर टाइप बंदा तो ये होता, ऐसा डॉक्टर ड्रे जो जो कभी कामयाब नहीं हुआ। तो अभी क्या कहना चाहोगे इसकी, ये एल्बम का कोई गाना था ये हनी 3.0 करके इसकी एल्बम आ रही है जो पिछले 6 महीनों से आई जा रही है, और ये बंदा इतना अजीब भाई, नाम भी अच्छा नहीं सोचा गया हनी 3.0 ऐसे ना, पास्ट लाइफ थी ना 1.0 2.0 ये 3.0 नेक्स्ट लाइफ, अबे नेमिंग आसान हो गई करने में, याद रहेगा ना कितने बनाने, अपने आप को एवेंगेलियन समझ रहे हैं अबे यार
नहीं है, चलो देखते हैं आगे कैसे गाने आएंगे। अभी कमिंग सून है और भी लिखे हैं। अबे तेरे को लगता है कुणाल ये कमिंग सून लिख के इसने बहुत बड़ा तीर मार लिया? मैं तो इसी गाने से इम्प्रेस नहीं हुआ। कमिंग सून का क्या हाँ कह सकता है भाई, मजा तो नहीं। हाइप नहीं है, हाइप नहीं है, हाइप नहीं रही ना अब। गाने से पहले हाइप थी। एग्जैक्टली, गाने से पहले भाई मैं अब नहीं रही। गर्ड वाइन हाँ ये रहा, ये है कि भाई गाने से पहले बहुत हाइप थी कि भाई तो कुछ करेगा गाना, कुछ तो करेगा, तगड़ा होगा। बट इतना घटिया निकला, इतना घटिया, मतलब घटिया तो नहीं, मतलब ठीक है, एवरेज ठीक है, डिसेंट है, डिसेंट ठीक है, डिसेंट सही वर्ड है, डिसेंट गाना। वो वर्थ इट, जो वर्थ था वो हाइप वर्थ इट नहीं थी। पर मुझे कोई उम्मीद नहीं बंदों। Exactly, मैं भी ये कहूँगा, ये मेरा ना लास्ट होता कि भाई अब रुक जाता हूँ, कुछ कमाल होने वाला है, कुछ होगा, 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 अब होगा। क्योंकि पिछले तीन साल से, पिछले तीन साल से कम टाइम होता है, टाइम में करो या फिर प्रूफ करके दिखाओ थोड़ा। हाँ अबे पिछले तीन साल से कम बैग ये नहीं हो रहा इस बंदे का, क्या सीखा है कम बैग ही? तीन साल से ठीक है, प्रॉब्लम्स देखो, ट्राई करे, करो, ट्राई करे, सक्सीड ना हो, एक तो वो प्रॉब्लम होती है, ये तो ट्राई नहीं कर रहा ये भी तो है, समझ रहा है। पॉजिटिवली बोल रहे ना कि क्रिटिसिज्म है लेना, ले लो ना, मत ले, हमें क्या है, वो ऐसे डालते रहे गाने एवरेज, हमें क्या करना। हम तो ठीक है भाई, हमने तो बोल दिया, अब तेरे को सुनना है तो सुन, नहीं सुनना है ऐसी एवरेज गाने डाल, वो खुश रहे। सिंपल सी बात है, जो समझने वाला होगा समझ जाएगा, जिनको नहीं समझना होगा गाली लग गया कमेंट में, हो गया, मूव ऑन कर जाओ। कमबैक करने, कमबैक करा भाई ने, कमबैक हमें अच्छा नहीं लगा तो अब हो गया, एनीथिंग से छोड़ो। अबे एक वो भी तो होता है भाई, चल वीडियो इमेजिनेटिव है, जैसे टच द स्काई की वीडियो है, या गाने की और वीडियो का न्यू वर्कआउट प्लान की वीडियो है, थ्रू द वायर हो गई या थ्रू द वायर की वीडियो का, इंटरेस्टिंग नहीं कुछ, इंटरेस्टिंग रनअवे, रनअवे की वीडियो हो गई, विच और रनअवे, या फिर एन इन पेरिस वाली हो गई, एन इन पेरिस ये भी है, ये सारी विच और की पिक्चर है। अबे हां विच और की पिक्चर हो गई, ठीक है, गाने हो गए, बियॉर्क के गाने हो गए, तो उनका मतलब कुछ तो है, मतलब वो वीडियो शूट कर रहे हैं तो मतलब कुछ जॉड ही वीडियो बना रहे, मतलब अलग हटके कि भाई वीडियो भी ना बनी हो ऐसी, और गाने तो है एक्सेप्शनल, ठीक है, इसका तो ना गाना एक्सेप्शनल है ना वीडियो एक्सेप्शनल है, कुछ है ही नहीं एक्सेप्शनल, सब कुछ मतलब ऐसी सब पार वीडियो कर। बस मैं ये बोलेंगे कि भाई अब कोई इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट तो जा चुका। और जैसे होता है ना कि भाई डेक्स्टर, स्कूबी डू और ये जितनी भी चीजें होती थी कार्टून, ऑज़वर्ल्ड और ये सब, ये बचपन में ही अच्छी थी, उनको रिवॉच नहीं देना चाहिए, ऐसे इसको भी रिवॉच नहीं देना चाहिए मेरे हिसाब से। हो गया इसका MCU जैसे इसको बस खत्म हो गया, जो था इसका भी 10 साल चला, अब आगे बढ़ो और नए लोगों एक्सप्लोर करो। अबे भाई वही तो कह रहा हूँ, आज तो अबे भाई उस टाइम तो ब्लूटूथ आ रहा था, उस टाइम तो हमें चार लोगों के पास गाने हैं तो वही गाने ट्रांसफर हो गए, ठीक है, अब तो स्पॉटीफाई में भाई तुम किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में कोई आर्टिस्ट लोग उसको सुन सकते हो, क्यों भाई सेट, मतलब है ना, अब तो बहुत ज्यादा वो है हमारे पास चॉइस करने के लिए, ऑप्शन बहुत। तो मेरे ख्याल से अब जाना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए, एट दिस पॉइंट हमें चले जाना चाहिए, और ज्यादा नहीं।